हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ होरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स। क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया। डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको अवकल समीकरण क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, उसके ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, उसके डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करके कैसे वेरीफाई करते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे क्रिएट करते हैं, ये हमने इसके फर्स्ट पार्ट में देखा। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। और आज के पार्ट में, जैसे आपने फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि सेकंड पार्ट में हम इसके पढ़ने वाले हैं हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसका मेन टॉपिक पर एंटर कर रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। और सबसे पहले हम देखें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने हमारे पास मेथड हैं, ये हमको देखना है। तो सबसे पहले देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके टाइप्स को देखते हैं पहले कि कितने टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, और उनको फिर एक एक करके हम सॉल्व करते जाएंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट टाइप जो होता है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। और आपको ऑर्डर और डिग्री अब आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का मतलब आपको पता है कि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है। और इसका जो फॉर्म होगा, एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का जो फॉर्म होगा वो इस तरह से होगा, dy/dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इस फॉर्म में होगा। तो पहला टाइप हम फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का पढ़ेंगे। इसके बाद देखो, जो सेकंड टाइप अपन पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, सेकंड टाइप वो कहलाता है वेरिएबल सेपरेबल। थर्ड में पढ़ेंगे अपन होमोजीनियस। और फोर्थ में पढ़ेंगे लीनियर। हिंदी में ही बता रहा हूँ नाम, मैं हिंदी मीडियम वाले परेशान मत होना कि सर तो बता ही रहे कुछ हिंदी में। ये फोर टाइप के हमको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। फोर टाइप के इस डिफरेंशियल इक्वेशन में खास बात क्या है, देखो कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो इस फॉर्म में होगा। पहले आज के क्लास में मैं यही पढ़ाऊंगा। इसके बाद जो वेरिएबल सेपरेबल होता है, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है हम इसके एक साइड में x को, एक साइड में y को वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट है होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब x और y का पावर जिसमें इक्वल होता है, आगे चल के बताऊंगा। या इसका एक और पार्ट होता है रिड्यूसिबल। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, जो होमोजीनियस में नहीं है लेकिन हम उसको होमोजीनियस में रिड्यूस करके बताते हैं। और लीनियर का भी स्पेशल टाइप। तो बेसिकली ये फोर टाइप्स होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, और उसमें कुछ स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, वो मैं टॉपिक के अंदर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आज हम इसका पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। और एक बात ध्यान में रखना, ये चार जो पार्ट हैं ये एक एक वीडियो में आपको मिलेंगे। हर वीडियो में एक नया, जैसे आज मैं फर्स्ट पढ़ा रहा हूँ तो फर्स्ट ही पढ़ाऊंगा। मुझे लगेगा कि किसी पार्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे और क्वेश्चन कराने चाहिए, तो उसके हम 2-3 पार्ट कर लेंगे। तो ये हमारा पढ़ने का ऑर्डर होगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम देख रहे हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के चार तरीके हैं अपने पास। वी हैव फोर टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट इज फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, सेकंड इज वेरिएबल सेपरेबल, एंड थर्ड टाइप इज होमोजीनियस टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड फोर्थ इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये ही डिफरेंशियल इक्वेशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 100% क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में भी आना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आना है, आपके IIT में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एक्चुअल में ये कैलकुलस का, आपके 12th क्लास के कैलकुलस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ओके, चलिए तो एक एक करके हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं।
जो आज का हमारा क्लास है, यह मेन हेडिंग है हमारा आज के क्लास का, वो है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में मैं आपको पहले समझा दूं मेथड या वर्किंग स्टेप्स, मतलब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको गिवन होगा dy by dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। इस फॉर्म में हमको क्वेश्चन दिया होगा, कैसे हम सॉल्व करेंगे आपको मैं इसका वर्किंग स्टेप बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में गिवन होगा dy by dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। नाउ सेकंड में हम क्या करेंगे, इसमें dy को एक साइड और दूसरे साइड में dx को ट्रांसफर कर देंगे, मतलब फंक्शन ऑफ x dx, ये काम करेंगे। सेकंड वर्क इज y को लेफ्ट साइड में और x को जो उससे रिलेटेड फंक्शन है उसको हम सेकंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे। और थर्ड वर्क क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको। नाउ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x dx, ये करेंगे। तो फोर्थ स्टेप में अपने को क्या मिलेगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ dy मिलेगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x के फॉर्म में अपने को एक फंक्शन मिलेगा, ये मैंने कैपिटल f(x) लिख दिया, मतलब आफ्टर इंटीग्रेशन, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट को आपको ऐड करना है। जब लास्ट में इंटीग्रेशन हो जाता है तो लास्ट में हमको एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सम करना पड़ता है, वो इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इंटीग्रेशन को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हो सकता है वहाँ पर कोई कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट हो, जो डिफ्रेंशिएट करने पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लास्ट आंसर में हम प्लस सी लिखते हैं, ये हमारा मेथड है सॉल्व करने का, ठीक है। एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले वर्किंग स्टेप में हमको क्वेश्चन दिया होगा जो इस फॉर्म में होगा, dy by dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, फिर हम उसको क्या करेंगे, एक साइड में dy और दूसरे साइड में फंक्शन ऑफ x dx को लिखेंगे। इसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dy हमको y मिलेगा, इसका फंक्शन ऑफ x का इंटीग्रेशन हमको ये फंक्शन मिलेगा x के फॉर्म में, और प्लस सी लिखेंगे, ये हमारा वर्किंग स्टेप है, क्लियर। तो इस फॉर्म में हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ओके। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस पर देखो, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ आपके लिए ये है, कुछ सिंपल क्वेश्चन लेके हम सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा dy by dx इक्वल cot square x, ये हमारा क्वेश्चन है dy by dx इक्वल cot square x। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन, इसका सॉल्यूशन। मैंने वर्किंग स्टेप में आपको क्या बताया कि क्वेश्चन आपको dy by dx के फॉर्म में देगा, उसको क्या कर रहे हैं, सबसे आसान क्वेश्चन है। मैं स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन बहुत आसान इसलिए लेता हूं कि हमारा पहला काम है कि हमको प्रोसेस पर कमांड होना चाहिए कि हम उसको करते कैसे हैं। स्टार्टिंग से हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेंगे तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन मेथड समझने से बजाय उसके डिफ़िकल्टी लेवल की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए एक दो क्वेश्चन आप हमेशा कभी भी कोई प्रैक्टिस करो तो शुरुआत के एक दो क्वेश्चन को सिर्फ मेथड, सिर्फ प्रोसेस को क्लियर करने के लिए करो। वो एग्ज़ाम में आए चाहे ना आए वो अलग बात है, हालांकि इस लेवल का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले अपन ले लेते हैं इसका क्वेश्चन को, हमको dy by dx इक्वल टू cot x, दैट इम्प्लाइज। अब मैंने आपको बोला कि हम इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dy इक्वल टू cot x इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप में मैंने वर्किंग स्टेप में क्या बताया, जैसे ही हम लेफ्ट साइड में dy को सेपरेट करेंगे तो हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। नाउ इंटीग्रेट अपन इंटीग्रेट कर दें इसका, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx ये हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है, cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना। और हमको मालूम, देखो इंटीग्रेशन में पिछले मैं क्लास में भी आपको ये डिस्कस किया था, यदि आपका पीछे का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन यदि भूला हुआ है तो आगे कुछ नहीं होने वाला है, तो आप उसको रिवाइज कर लो, वैसे वो सब तैयार होगा आपका।
तो काट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, कोसेक स्क्वायर के फॉर्म में इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज अभी इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों साइड के एक साथ करेंगे, तो इसको डी वाई ही लिखना, यहाँ पर वाई नहीं लिखना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है वन प्लस काट स्क्वायर एक्स। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमको मालूम है कि अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता है, इसलिए हमको इस फॉर्म में इसको लिख लिया, ठीक है। दैट इम्प्लाइज अब देखो इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज वाई कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस काट एक्स। द इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इज माइनस काट एक्स, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन इज एक्स, और लास्ट में लिखेंगे प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। देखो मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में आपने देखा है कि y इक्वल टू इस फॉर्म में लिखना उसका क्या है, मेन फॉर्म मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था इसको इस फॉर्म में लिखना डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करना है, और इसको इस फॉर्म में y इक्वल टू के फॉर्म में लिखना डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लियर। इस तरह से सॉल्व होता है। तो ये मैंने एक इजी क्वेश्चन लेके आपको समझाया कि किस तरह से आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह के अपन कुछ क्वेश्चन के आज प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल। मैं क्वेश्चन इस तरह के सेलेक्ट करके लाता हूँ आपके लिए, मैं हर क्लास में ये डिस्कस करता हूँ कि चूंकि मुझे लिमिटेड क्वेश्चन से अपने स्टूडेंट को तैयार कराना है, मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊँ जिससे मैं आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकूँ, प्रॉपर आपको मेथड भी एक्सप्लेन कर सकूं, और क्वेश्चन का कलेक्शन ऐसा हो। इसीलिए मैं प्रॉपर प्लानिंग से उतनी क्वेश्चन लेके आता हूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, प्लस आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए भी अच्छे हों। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ये सब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू अपन फाइंड करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सिंस डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व कर लूँ, एक बार लिख दिया, सिंस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन, दैट इम्प्लाइज इधर इसको उधर ट्रांसफर करो तो डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये इसके वन अपान में चला जाएगा, तो वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वन ही रख सकते हो, और ये हो जाएगा डी एक्स, इस फॉर्म में चला गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत मजा आता है, लेकिन कब, जब आपका पीछे का टॉपिक अच्छे से तैयार हो तब, बाकी इसके बाद इसमें कुछ नहीं है। जैसे जैसे आप एक एक टॉपिक में जाते जाओगे ये और इंटरेस्टेड होते जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्लियर। अब देखो यहाँ पर आपका मेन वर्क है इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो ये तो डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला पता है, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज वाई, एंड इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इज टेन इज इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इतना होता है और इसका इंटीग्रेशन इतना होता है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। है बहुत आसान काम, बहुत आसान काम है, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये कम मार्क्स के आते हैं क्योंकि इसका लेंथ कम है। एक्चुअल में इसका जो फर्स्ट पार्ट, मैंने चार पार्ट आपको बताया, पहला फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यहाँ पर देखो पहचानो उसको, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है, इसका ऑर्डर वन है और डिग्री भी वन है। तो पहला पार्ट जो हम कर रहे हैं बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री है, एक बार में आंसर आ जाता है। सेकंड पार्ट जो है वेरिएबल सेपरेबल, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। फिर होमोजीनियस बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट जो कॉन्सेप्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो तो समझ लो इसकी जान है, समझ लो डिफरेंशियल इक्वेशन की जान है। वो ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो सकता जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन सिलेबस में हो और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन ना आए। आपके भी बोर्ड में इसका जो फोर्थ पार्ट मैं बताऊंगा
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे 100% क्वेश्चन आना है। आप जिस बोर्ड के भी स्टूडेंट हो के जाकर सीधा क्वेश्चन पेपर में आप देखना कि मेरा वो वाला क्वेश्चन कहाँ पर है, डाउट का बात ही नहीं है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आएगा वो, तो लास्ट टॉपिक है, सबसे डिफिकल्ट अलग टाइप का है, तो मैं बिल्कुल पार्ट पार्ट आपको बताते जाऊंगा ताकि एक एक पैटर्न आपका अच्छे से कमांड होता जाए। तो आज डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का पहला क्लास है, इससे पहले वाला क्लास तो फंडामेंटल पर था। तो आज इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से तैयार करोगे कि हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं अपन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। सब क्वेश्चन के स्टैंडर्ड अभी मैं धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा। dy by dx इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस dy by dx इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस 3x स्क्वायर, ये इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसके बाद आप डिफिकल्ट करेंगे, इसके बाद थोड़ा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन देखो, चलो ब्लू से लिखते हैं। ये हमने लिखा क्वेश्चन को सबसे पहले dy by dx इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस 3x स्क्वायर। ओके, पहले क्वेश्चन को लिख लिया, अब क्या करना है, dx को उधर ट्रांसफर करना है, प्रोसेस तो सेम वही है। दैट इंप्लाइज dy इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस 3x स्क्वायर dx, क्लियर। नाउ इंटीग्रेट, अब इसको अब बार बार लिखने जरूरत नहीं है, अपने पता है आप लोग लिख रहे हैं, एग्जाम में तो लिखना जरूरी है। समाकलन करने पर, हिंदी मीडियम वाले लिखोगे समाकलन करने पर, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, इसका अलग से इंटीग्रेशन कर दिया dx, प्लस इसका अलग से कर रहे हैं अपन 3x स्क्वायर dx। ऐसा अपन क्या है, सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ओके, ये हो गया दैट इक्वल। अब आप दैट इम्प्लाइज, अब आपको पता है यहाँ पर कि sec स्क्वायर x का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो sec स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर x। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर x में चेंज, नहीं sec स्क्वायर x का डायरेक्ट फार्मूला होता है ना, sec स्क्वायर x का डायरेक्ट फार्मूला, सॉरी टेन स्क्वायर x रहता तो अपने को sec में चेंज करना पड़ता। sec स्क्वायर x का तो इंटीग्रेशन हमको डायरेक्ट पता है क्या होता है, टेन x, तो सीधा हम इसका इंटीग्रेट करते हैं। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फार्मूला में कन्फ्यूजन हो जाता है कभी, उसका उसमें हो जाता है। दैट इम्प्लाइज वाई इक्वल टू sec स्क्वायर x dx का क्या हो गया, 10x, बहुत आसान क्वेश्चन हो गया फिर। और ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, दैट इम्प्लाइज वाई इक्वल टू 10x प्लस, ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस सी, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो वाई इक्वल टू 10x क्या आंसर आता है इसका, y इक्वल टू 10x प्लस sec क्यूब x c प्लस सी। ओके, तो ये आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन इसके कंपैरिजन में। dy by dx इक्वल dy by dx इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में कुछ खास बात आपको दिखाई दे रहा है, यदि किसी ने इसको प्रॉपर वॉच नहीं किया इस क्वेश्चन को तो वो गलत कर लेगा, उसको बनाने में परेशानी हो जाएगी। क्या ऑब्जर्वेशन है क्वेश्चन में, आप देखो इसका मेन ऑब्जर्वेशन ये है कि यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है 4 माइनस वाई स्क्वायर, वो किसके फॉर्म में दिया हुआ है, वाई के फॉर्म में दिया हुआ है, और यहाँ पर डी एक्स अकेला है। तो इस क्वेश्चन को आप y के लिए सॉल्व ना करके x के लिए सॉल्व करोगे, ये स्पेशल केयर करना है। तो इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा स्पेशल केयर करना है कि इसको हमको dx के लिए सॉल्व करना है। तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे, जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो एक बार तो लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन, dy by dx इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज अब यहाँ पर x को सेपरेट करो इसको, क्योंकि ये अकेला है और y का फंक्शन इसके साथ में रिलेट करता है। तो dx को लेफ्ट साइड में रखो, तो ट्रांसफर उधर कर रहा हूँ मैं, लिख इधर रहा हूँ, तो dx इक्वल टू ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो 1 अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर dy, ये होगा, ये आपको ध्यान रखना है।
ओके तो जैसे हम अभी डी वाई इक्वल टू कर रहे थे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन का खासियत यही है। देखो थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को, इसको 4 - x2 मान लो, क्वेश्चन 4 - x2 होता तो डी वाई को हम लेफ्ट साइड में रखते, डी एक्स को उधर ले जाते, लेकिन यहाँ पर 4 - y2 है, तो 4 - y2 होने के नाम से हम डी एक्स को यहाँ पर अलग रखेंगे और यहाँ रखेंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे, आगे कुछ नहीं, आगे आप कर सकते हो नाउ इंटीग्रेट समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√4 - y2 dy। दैट इंप्लाइज, अब इंटीग्रेशन आपको पता है इसका, x ये क्या होता है, √1 - a² - x² देता है sin² y/a। तो ये फार्मूला हो जाएगा, ये सब आपको फार्मूला याद रखना चाहिए ना, sin² y/a, तो a का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 और प्लस सी, एक्स इक्वल टू sin² y/2 + c। लेकिन यहाँ पर अभी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब है कि वहाँ पर आप क्या है वाई का वैल्यू फाइंड करोगे। दैट इम्प्लाइज यहाँ पर, अच्छा यहाँ जो कांस्टेंट लिया जाता है उसको प्लस सी भी लिख सकते हो, माइनस सी भी लिख सकते हो, आप किसी भी प्रकार से उसको लिख सकते हो, ठीक है, प्लस सी माइनस सी किसी भी फॉर्म में आप उसको लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सी को मैं इधर ट्रांसफर कर दूँ तो इस क्वेश्चन को लिखा जा सकता है sin² y/2 = x - c या x प्लस सी। अब दोनों तरफ का हम साइन ले लेंगे, तो देयर फोर साइन लेने पर साइन हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा y/2 ये साइन में चला जाएगा, तो sin x - c। ये प्लस माइनस के लिए परेशान मत होना, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। दैट इम्प्लाइज अब y का वैल्यू फाइंड करना है, तो y इक्वल टू 2 के यहाँ ट्रांसफर करो, तो 2 sin x - c, दिस इज द फाइनल आंसर। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दो बात को आपको ध्यान रखना है, 2 sin x - c या x प्लस सी, यहाँ पर दो बात आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। पहली बात, यहाँ आपको ऑब्जर्व करना है कि इसको हमको डी एक्स के लिए सॉल्व करना है, और जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे इस फॉर्म में आएगा तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो आंसर हमको वाई के फॉर्म में निकालना है, इसलिए हमने इसको इधर ट्रांसफर किया, तो sin² y/2 हुआ, बाद में दोनों तरफ का साइन लिया, उधर जाके साइन हो जाएगा ये, और फिर हमने y का वैल्यू फाइंड किया। तो y का ही वैल्यू फाइंड करना डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, ऐसा नहीं कि आपने x के लिए इंटीग्रेशन किया है तो x के फॉर्म में लिखो, यहाँ तक आप लिखोगे तो इनकम्प्लीट आंसर है, अधूरा है, मार्क्स कट जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आपको y इक्वल टू ही लिखना है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिया अभी, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो मेरे को लगता है कि आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी कि हमको क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री बहुत आसान है, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको क्लास में करके देता हूँ उसके बाद आपको उसको आगे बढ़ाना है, ऐसा नहीं कि उतने ही क्वेश्चन करके बैठना है। फिर आपके टेस्ट बुक में जो भी आप राइटर का बुक यूज़ करते हो, और राइटर से जाने के नहीं, ये राइटर वो राइटर सब में क्वेश्चन वही है, मैथमेटिक्स में ऑलमोस्ट कुछ बहुत स्पेशल राइटर को हटा दो तो सबके क्वेश्चन 80-90% सिमिलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मुझे मालूम है, मैं बहुत राइटर्स के बुक्स पढ़ाऊँ, तो खासकर जो अच्छे क्वेश्चन है वो तो सब में 100% कॉमन रहेगा, खासकर एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो हर राइटर कॉपी करते हैं, कुछ ना कुछ उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, भले ही रिफरेंस में नीचे एनसीईआरटी लिख देते हैं, क्योंकि कॉपीराइट का प्रॉब्लम मत हो, इसलिए जैसे किसी कलेक्शन को लेते हैं किसी राइटर किसी एनसीईआरटी बुक से, क्वेश्चन के नीचे में एनसीईआरटी लिख देते हैं, वो ठीक भी आपको पता चलता है, जैसे यह क्वेश्चन ये एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कुछ और अच्छे क्वेश्चन का सॉल्व कर लें, जितना ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको करा दूं तो आपका कमांड उतना, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं अपन, dy by dx = 1 - cos x / 1 + cos x। अब किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे देखो, एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट्स लोग का बिहेवियर क्या होता है कि शुरू में 5 मिनट वीडियो देखे, उसके बाद चले गए छोड़ गए दूसरे में देखे। यदि आपको अच्छे से कमांड करना है, यदि आपको सब्जेक्ट में अच्छे से कमांड करना है, तो आपको वीडियो को फर्स्ट स्टार्ट से लास्ट तक देखना चाहिए, तभी आपको अच्छा कमांड होगा। वो ऑफलाइन क्लास की तरह है कि आप 10 मिनट क्लास अटेंड करके चले जाओगे, फिर अगले दिन क्लास में आओगे तो आपको समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा। इसलिए जिसको भी ढंग से, जो टाइम पास करने वाले स्टूडेंट हैं उनकी बात अलग है, कुछ लोग तो केवल YouTube में सर्च करते करते साल बिता देते हैं और उनको कमांड किसी टॉपिक पर नहीं हो पाता, मेरे को मालूम है, मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, थोड़ा वहाँ देख लिए थोड़ा वहाँ देख लिए, थोड़ा
मतलब पूरा वेरिएबल माइंड पर है, माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं है उनका, ऐसा ठीक नहीं है। आप एक टीचर के एक कंटेंट्स को पढ़ो, ध्यान से उसको शुरू से आखिरी तक पढ़ो, तो फिर वो आपको ढंग से समझ में आएगा। और यहाँ वहाँ आप करते रहोगे तो किसी चीज़ को आप ढंग से नहीं कर पाओगे। जिसका आपको ढंग से समझ में आता है, जिसका प्रॉपर फ्लो में सिलेबस है, वो आप शुरू से आखिरी तक उसको देखो, जिसका भी देखना। ऐसा नहीं बोलो कि सिर्फ आप मेरा देखो, जहाँ भी आपको समझ में आता है, लेकिन बिगिनिंग से एंड तक देखो उसको, तभी समझ में आएगा। बीच में छोड़ने समझ में नहीं आता। कोई भी टीचर जब पढ़ाता है, कोई भी टीचर जिसको नॉलेज है, जानकारी है, वो उस फ्लो में पढ़ाता है कि जैसे देखो मैं फंडामेंटल बताया कि कैसे हम सॉल्व करते हैं, फिर इजी क्वेश्चन लिया, फिर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लिया, तो उसी वे में आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो बातें आपको समझ में आएंगी। ओके चलो सॉल्यूशन ले, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है अपने को। ठीक है, सिंस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, देयरफॉर अब डी वाई को यहाँ रखो, बाकी आपको पता है तो पूरा एक्स एक्स है, तो वन माइनस, देखो एक पैटर्न समझोगे तो दूसरे को समझने में सहूलियत होगा, किसी भी एक पैटर्न को मिस किए तो बाद में दूसरा पैटर्न आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने डी वाई को एक तरफ रख लिया और उसको उधर भेज दिया, अब इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, नाउ इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस कॉस एक्स। देखो सबसे महत्वपूर्ण काम यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। वैसे तो कोई डायरेक्ट फार्मूला याद करके रखे तो इसका वैल्यू होता है टेन एक्स बाई टू, लेकिन यहाँ पर उतना यदि आपको याद नहीं है तो मैं कन्वर्ट करके बता देता हूँ। वन माइनस कॉस एक्स का फार्मूला होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और इसका फार्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। दैट इम्प्लाइज ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल टू, टू टू कैंसिल आउट हो गया, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। क्लियर यहाँ पर, और चाहो तो आप उसको डायरेक्ट टेन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते थे, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है, यदि ट्रिग्नोमेट्री में आपका अच्छा कमांड हो, मैं हमेशा से आपको बोलते आ रहा हूँ, तो कैलकुलस अपने आप आसान हो जाता है। इसके जगह में यदि किसी को फार्मूला याद हो तो यह स्टेप डायरेक्ट लिख सकता है, फिर इस स्टेप का जरूरत उसको नहीं है। बिल्कुल इतना डायरेक्ट लिखा जा सकता है क्योंकि वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स का ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला होता है टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब यहाँ पर देखो टेन स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो यहाँ आपको टेन स्क्वायर को किस में चेक करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर में, है ना। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा है कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर उससे और पहले वाले क्वेश्चन में, है ना, ये देखो सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर मैं टेन में कर रहा था, उल्टा कर रहा था, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, तो यहाँ पर हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, उसको सेक में चेंज करना पड़ेगा। दैट इम्प्लाइज चेंज कर देते हैं फिर, एक बार चेंज कर दे फिर इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल टू ये हो गया इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन डी एक्स। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। ओके तो ध्यान रखना इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, दैट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई क्या हो जाएगा, वाई इक्वल सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स बाई टू और अपान में क्या होगा वन बाई टू, उसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो, और प्लस सी कांस्टेंट, देयर फोर वाई इक्वल टू टू ऊपर चला जाएगा, तो टू टेन एक्स बाई टू प्लस सी, ये आंसर होगा टू टेन एक्स बाई टू प्लस सी। और कुछ भूल गया क्या, अच्छा इसको भूल गया क्या, आंसर दूसरा आ रहे हैं, अच्छा वन का इंटीग्रेशन करना भूल गया, इसके साथ में वन भी था, तो वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, माइनस एक्स ना, फार्मूला में तो माइनस आया होगा, ये माइनस वन का माइनस एक्स, ये ध्यान नहीं दिया मैं, नेक्स्ट पेज में जाने से ऐसी है, माइनस एक्स प्लस सी
माइनस एक्स प्लस सी। ये जो प्लस सी का मैटर है इसको आप प्लस सी लिख सकते हो, माइनस सी लिख सकते हो, बाद में लाग वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लाग सी लिखेंगे, टेन इनवर्स सी लिख सकते हो, साइन इनवर्स सी लिख सकते हो, जैसा जैसा फंक्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन लिखते जाते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये सबसे पहले हमने इसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में चेंज किया, बाकी इंटीग्रेशन कर दिया। तो फर्स्ट ऑर्डर यानी फर्स्ट डिग्री का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बहुत ही आसान है। अब मैं आपको आज का लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये क्वेश्चन मान के चलो, जनरली आपको मेरा पढ़ाने का टेक्निक अभी तक पकड़ लिया होगा, बहुत दिन से आप पढ़ रहे हैं कि क्लास के स्टांग में इजी से डिफ़िकल्ट होते, और लास्ट क्वेश्चन होता है वो मेरा उस दिन के लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट और उस दिन के लेक्चर का सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होता है। इसलिए भी मैं आपको बोलता हूँ कि किसी भी आप वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि ग्रेजुअली स्टैंडर्ड इंक्रीज होते जाता है, और लास्ट क्वेश्चन जब आप करते हो तभी उस दिन के क्लास के क्वेश्चन को करने का मतलब है, अदरवाइज नहीं। तो अब जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन के आने के चांसेस सभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी वाई, ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी वाई प्लस ई टू दी पावर एक्स माइनस ई माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ पर माइनस है, माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स ई टू दी पावर प्लस एक्स, सॉरी माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो ने इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर एक्स माइनस ई माइनस एक्स, चलो ठीक। ये क्वेश्चन है हमारा, देखो क्वेश्चन देख के आप समझ गए होंगे, इस तरह का क्वेश्चन आपने ई टू दी पावर एक्स वाला पहले किया है, डिफ्रेंशिएशन में किया है, ये प्लस है ये माइनस है। यदि पीछे के क्वेश्चन में अच्छा कमांड हो किसी का तो बिल्कुल ऑब्जर्वेशन करते ही वो समझ गया होगा कि ये किस तरह का क्वेश्चन है। चलिए डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट करने के बाद तो आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को लेके, तो इसको मैं उधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स। ये बहुत से एग्जाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, क्लियर। दैट इंप्लाइज अब आपको क्या करना है, ये डी वाई को अकेले छोड़ना है, इसको एक्स के साथ उधर भेज देना है, तो ये हो जाएगा डी वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, क्लियर। अब इंटीग्रेट करने पर नाउ इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन पूरा काम अब इस इंटीग्रेशन पर बेस्ड है, और यदि आपको याद आ रहा होगा तो इस तरह का इंटीग्रेशन आपने किया है, और एक स्पेशल फंक्शन का पैटर्न है, सब इसी क्वेश्चन को कराए हूँ, मेरे को याद है इसी क्वेश्चन कराए हूँ, ठीक है। थोड़ा सोचिए आप लोग, भला क्या होगा इसका, सोच लिया, कितने लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी, अब बता तो मुझे आप सकते नहीं, है ना, आप कैसे बताओगे, लेकिन आप जो सोचे होगे परफेक्ट, मैं आपको बता रहा हूँ जिन लोग प्रॉपर वे में सोचा होगा उनको एक चीज़ याद आ रहा होगा कि हम लोग पढ़े थे एक पैटर्न, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, ये पैटर्न है, ये फार्मूला है, मतलब रेशनल फॉर्म में हो, परिमेय फॉर्म में हो, और जो न्यूमरेटर है जो अंश है वह हर का क्या हो, एक अवकलन हो, एक डिफ्रेंशिएशन हो, f डैश x मतलब नीचे का, तो वह लॉग फंक्शन ऑफ x लिखा जाता है। ये स्पेशल पैटर्न का हमने क्वेश्चन यहाँ पर किया था, वो चीज़ आप पहचानो तो यहाँ पर एक लाइन का काम है, और वो चीज़ आप नहीं पहचान पाए तो यहाँ पर फिर t सपोज करके करते रहो फिर। तो यही है डिफ्रेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन पर कमांड बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है, देखो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है, इसका जो डिफरेंशिएशन है, मतलब देखो मैं यहाँ पर रफ वर्क करके बता रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, बाद में इसको इरेज कर दूंगा, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, यदि इसका डिफरेंशिएशन किया जाए तो क्या मिलेगा अपने को, e टू दी पावर x, इसका माइनस सामने आ जाएगा e टू दी पावर माइनस x, और ये देखो ये यहाँ पर है, मतलब इसके हर में जो है, ये जो हर में है उसका जो डिफरेंशिएशन है वो अंश में है, तो हम फार्मूला के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ x, ये लिखा जा सकता है। ओके, इस तरह से देखो जब ये लिखा जा सकता है, तो ये तो आप नोट कर लो, अलग से इसको मैं इरेज कर रहा हूँ,
तो ये वाले पोर्शन को मैं हटा दिया। अब देखो हम उसको लिखते हैं इंटीग्रेशन करके। नाउ देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ y इज y और इक्वल टू क्या मैंने बताया लॉग फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन ऑफ x क्या है हमारा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x इंटीग्रेशन हो गया और प्लस c ये आंसर। तो देखो चार लाइन का ही क्वेश्चन है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है आंसर आया है लॉग e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। ऊपर में माइनस नीचे में प्लस है क्या, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, आंसर कैसे प्लस दिया है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी, इसके आंसर में दिया ई टू पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, इम्पॉसिबल। लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स e टू द पावर माइनस एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, ओह नीचे में तो प्लस है ना, लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स होगा ना, तभी सोच रहा हूँ आंसर प्लस माइनस मिस्टेक कैसे हो रही है, सॉरी। ठीक है ये तो फंक्शन ऑफ एक्स है, वो तो एफ डेक्स है, एफ डेस एक्स है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ पहचानने के लिए, ये है एफ डेस एक्स और ये है फंक्शन ऑफ एक्स और फार्मूला होता है लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, तो फंक्शन ऑफ एक्स में प्लस है ना, तभी प्लस दिया है आंसर में। ठीक ओके तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो समझ में आ गया होगा आपको, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री सारे क्वेश्चन ऐसी है, जितना भी लेवल का आप क्वेश्चन बनाओ सब में एक ही काम करना है कि आपको एक साइड में डीवाई को, एक मैंने क्वेश्चन बताया उसको ध्यान रखना, आपको पहले ध्यान रखना है कि कहीं मेरा एक्स के लिए तो सॉल्व नहीं करना, इसलिए उस तरह का भी मैंने एक क्वेश्चन बताया आपको, फिर वाई के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है तो ये हमारा फर्स्ट पैटर्न हुआ और आप इस पैटर्न का बहुत अच्छे से तैयारी करो। और मेरा फिर एक सजेशन है आपको, लास्ट में जाते हुए एक सलाह मैं आपको दे के ही जाता हूँ हर क्लास में, कि अभी भी आपको इंटीग्रेशन वगैरह में प्रॉब्लम है, यदि बाय द वे आपको इस तरह के इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को करने के पहले आप पीछे के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को आप अच्छे से तैयार करो। मैं कोशिश करूंगा कि कंटिन्यूस आपको रेगुलर मैं कैलकुलस के वीडियो प्रोवाइड करा सकूं, क्योंकि मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन को फटाफट कंप्लीट करना है और उसके बाद मेरे को वेक्टर स्टार्ट करना है, इसके बाद मैं आपको वेक्टर पढ़ाऊंगा, वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th क्लास का सिलेबस का बहुत बड़ा पोर्शन है वो, तो उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो इसके एक एक पैटर्न हर दिन के क्लास में कराऊंगा। लीनियर वगैरह जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें मुझे लगेगा, तो उसके मैं 2 या 3 पार्ट आपको प्रोवाइड कराऊंगा होमोजीनियस का, जैसे मुझे आवश्यकता महसूस होगा उसके, जैसे इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें आप लोग अब इसके मैं 10 क्वेश्चन भी आपको कराऊं तो ऐसी क्वेश्चन कराऊंगा, एक तरफ डीवाई को कर दूंगा, उधर कर दूंगा इंटीग्रेशन कर दूंगा, और इंटीग्रेशन का तो कोई मैटर है नहीं यहाँ पर, आपको इंटीग्रेशन नहीं समझाऊंगा, इंटीग्रेशन मैं पूरा समझा चुका हूँ। आपको कहीं भी इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे से पूछने के बजाय प्रीवियस वीडियो को देखो और उसकी प्रैक्टिस करो। ओके तो ये आप अच्छे से तैयार करिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके साथ। ओके थैंक यू।